टोनी तुम तैयार हो बेटे? हाँ बाबूजी। गधे को खोल दो, हमें जल्दी जाना होगा वरना बाजार के लिए देर हो जाएगी। ठीक है बाबूजी। क्या तुम तीनों ही गधे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम दोनों में से कोई एक भी इसके ऊपर नहीं बैठा है। अगर उसके ऊपर बैठोगे नहीं तो फिर गधा रखने का फायदा क्या है? सही कहा, मैं भी यही बात सोच रहा था। सुनो, तुम इसके ऊपर क्यों नहीं बैठ जाते? देखो तो सही, कितना आलसी लड़का है वो। खुद गधे पर बैठा है और अपने बाबूजी को धूप में पैदल चलने को कह रहा है। हाँ, अंदर की बात कौन जाने, हो सकता है इन दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो। इन्हें क्या पता कि मेरा मेरे बेटे के साथ क्या रिश्ता है। बाबूजी, क्या वो हमें करना जरूरी है जो दूसरे हमसे करने को कहते हैं? बताइए ना। बात समझो टोनी, हमें उनका मान रखना चाहिए। अरे उस आदमी को देखो ना, खुद आराम से बैठा है और अपने मासूम बेटे को धूप में पैदल चला रहा है। क्या जमाना है। ओह बेचारा बच्चा, देखो कितना थक गया है। लेकिन उस आदमी को दया भी नहीं आती, बेचारा बच्चा। लगता है तुम थक गए बेटे, तुम भी मेरे साथ गधे पर क्यों नहीं बैठ जाते? क्या आप हमें रोक क्यों रहे हैं? तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। सही अंदाजा था, जरा भी शर्म नहीं है। शर्म? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुम दोनों के बोझ से इस बेचारी की क्या हालत होती होगी? अरे नहीं, ऊपर वाला भी कैसे कैसे इंसान बनाता है। बेचारे गधे की हालत देखो। मैं कब से लोगों को समझा रहा हूँ कि जानवर भी जीव होते हैं। ये बाबा मेरे बारे में क्या जानते हैं? मैंने गधे और टोनी दोनों को हमेशा अपने बेटे की तरह ही समझा है। किसी को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि गधा भी एक जीव है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये थक गया है, ये भी पता है कि अब क्या करना है। सुनो, जरा इस खूंटे से गधे को बांधने में मेरी मदद करो। आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? और क्या कर सकता हूँ, इस गधे को अपने सिर पर तो नहीं ले जा सकते ना। उस बूढ़े ने सही कहा था, गधा भी तो एक जीव होता है। भगवान, ये क्या किया मैंने, मेरा गधा। मेरा बच्चा।
क्या तुम तीनों ही गधे हो? मतलब ये है कि तुम दोनों में से कोई भी इसके ऊपर नहीं बैठा है। अगर उसके ऊपर बैठना ही नहीं था तो फिर गधा रखने का फायदा क्या है? तुम सबको ये कहानी